नमस्कार दोस्तों, तो कैसी है मेरी आप पहाड़ी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सबसे पहले आपको प्यारी सी गुड मॉर्निंग। पहाड़ों पे धूप खिल चुकी है और बढ़िया धूप आ जाई हुई है। हमें जाना है लगभग 25 किलोमीटर दूर अपने घर से गाय के लिए घास लाने, क्योंकि पहाड़ों पे ऐसे ही घास लाई जाती है। मैं आपको दिन भर का ब्लॉग दिखाऊंगा किस तरह से पहाड़ों में घास लाते हैं, और जब घास खत्म हो जाती है गाय के लिए, काफ़ी दूर से ट्रक में घास लानी है, तो वो ब्लॉग मैं आपको दिखाऊंगा, और अपने पहाड़ों के जीवन का संघर्षपूर्ण हिस्सा में भी आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। तो मिलते हैं अपने ब्लॉग में। तो हम घर से निकल चुके हैं अर्ली मॉर्निंग, अभी बज रहे हैं 8। हम जा रहे हैं दूध देने। ये देखिए, ये हमारे दूध की बाल्टी, और हम जा रहे हैं दूध के लिए पहले, फिर निकलेंगे घास लाने। और देखिए खूबसूरत व्यू आ रहा है आज सामने की तरफ का, बढ़िया धूप खिली हुई है, बढ़िया व्यू देखने को मिल रहा है। तो चलते हैं कसिया लेक की तरफ को। दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं कसिया लेक मार्केट, और सामने देखिए मुक्तेश्वर घाटी पे बढ़िया हिमालय देखने को मिल रहा है। ये देखिए काफ़ी शानदार और लाजवाब हिमालय। सुबह के टाइम में ऐसे दर्शन हिमालय के हो तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो निकलते हैं आगे की तरफ हम। तो दोस्तों हम पहुंचने वाले हैं वहां पर जहां पर हमने घास ली हुई है। जगह का नाम है टिकरी धरिया खान, मुक्तेश्वर से 25 किलोमीटर आगे। और ये देखिए, ये हमारी गाड़ी जिस पे घास आएगी। फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं वहां पे जहां से हमने घास लेनी थी, और जगह का नाम है धरिया खान। लगभग हमारे यहाँ से कसिया लेक से लगभग 25 किलोमीटर की दूराई पर है, और काफ़ी मस्त व्यू है यहाँ से भी। पीछे देखिए, अभी आपको व्यू दिखाता हूँ। और पीछे हमारी पूरी टीम जो घास के लिए रेडी है। घास हमने नीचे से लानी है, करीब उस तरफ से हमने घास लेके आनी है, ऊपर रोड पे लानी है जिस रोड पे अभी मैं खड़ा हूँ। तो फिर घास लाते हैं, पहले चल रहा है नाश्ता, जो घर से यहाँ पे नाश्ता बना के लाए थे, पहले नाश्ता करते हैं उसके बाद घास की ढुलाई होगी। तो दोस्तों पहले चल रहा है हमारा नाश्ता, जो घर ही से बना के लाए थे हम, गोभी की सब्ज़ी और रोटियाँ। और घास हमारी है नीचे, वहाँ पर देख रहे होंगे आप, 5 लूठे हैं, जो पहाड़ी में लूठे बोला जाता है, 5 लूठे हैं वहाँ पर। तो घास लेके आनी है वहाँ से रोड में। तो पहले करते हैं यहाँ पे नाश्ता, उसके बाद लेंगे। तो फाइनली दोस्तों नाश्ता हमने कर लिया है, अब होगी घास की उतराई, और घास हमारी नीचे है, मैं दिखाता हूँ आपको। फ्रेंड नीचे है हमारी रोड से एक घास, यहाँ पे देखिए, और ट्रक हमारा यहाँ पे रेडी हो चुका है। तो घास यहाँ से नीचे से ऊपर लाई जाएगी रोड पे, और रोड पे फिर ट्रक पे डाली जाएगी। तो अभी दिखाता हूँ आप। व्यू देखिए फ्रेंड, काफ़ी अमेजिंग और खूबसूरत व्यू देखने को मिल रहा है। पूरे पाइन का जंगल है आसपास, और एकदम नीची जगह है ये काफ़ी। और रोड देखिए, काफ़ी पतली रोड है, काफ़ी सिंगल रोड हम जिसे बोल सकते हैं। ट्राई मार ले, मार ले, मार ले, मार ले, मार सही, मार रे, चल जंप, ये तो दोस्तों फाइनली घास का ढुलान शुरू हो चुका है। यहाँ से हम घास उठाएंगे, देखिए आप ऊपर लेके जा रहे हैं, यहाँ से घास बांधी जाएगी, ढुलान होगा, ऊपर है रोड तो वहाँ पर घास का ढुलान होगा। और व्यू काफ़ी मस्त आ रहा है यहाँ से भी, खूबसूरत ग्रीनरी देखने को मिल रही है, चारों तरफ जंगल देखिए, पाइन का जंगल ज़्यादा है, और जगह भी थोड़ी गहराई में है ये। और देखिए नीचे काफ़ी बढ़िया एक नदी बह रही है, बढ़िया व्यू देखने को मिल रहा है, बढ़िया धूप यहाँ पर खिली हुई है। तो चलिए फ्रेंड थोड़ी देर घास ढोलते हैं, और फिर बाद में आपको दिखाऊँगा। तो फाइनली फ्रेंड घास का ढुलान हमारा कम्प्लीट हो चुका है। मेरे पीछे देखिए लगभग पूरी घास यहाँ पे हमने ऊपर रोड पे पहुँचा दी है। अभी रोड पे जाके मैं आपको ट्रक दिखाता हूँ कितना यहाँ पे ट्रक पे घास आ चुकी है। और एक जगह से हमने और ढुलान करना है घास का, वो अभी आपको दिखाऊंगा। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 12:15, तो देखिए और कितना हमारा यहाँ से यहाँ पर टाइम लगता है। फ्रेंड जो हमारी घास थी वो लगभग कम्प्लीट हो चुकी है। ये जो घास हमने उठाने में हमारी गिर गई है, इसको हम अभी इकट्ठा कर रहे हैं, तो इसको भी पहुँचाते हैं। और यहाँ से थोड़ी सी दूर ऊपर रोड पर हमने सारी घास पहुँचा दी है ट्रक पर, लुदान अभी जारी है, ट्रक पे अभी लुदाई हो रही घास की। तो चलते हैं ऊपर रोड पे, और रोड से आपको दिखाता हूँ आगे। तो दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ रोड पे, और सामने हमारा घास का ट्रक लोड हो रहा है। ये देख सकते हैं नीचे से सारी घास आ चुकी है, मैं ऊपर चल के आपको दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड, इसी तरीके से हम हर साल घास लाते हैं, और हमारे यहाँ तो इतनी घास होती नहीं है, इसलिए हमें दूरस्थ जगहों पर जाना पड़ता है और वहाँ से घास लानी पड़ती है। और गाँव में हर कोई घास ऐसे ही लाता है। और देखिए मस्त व्यू आ रहा है अभी दोपहर के समय में।
तो यहाँ का जो जनजीवन है काफ़ी सामान्य जनजीवन है, लोग यहाँ पे रहते नहीं हैं उतने घरों में। और जैसे देखिए यहाँ पे कितनी इन्होंने घास इकट्ठा कर रखी है, इसी तरीके से घास यहाँ पे इकट्ठा करके घास बेचते हैं और ये लोग। और दूर दूर में लोगों के घर होते हैं, जैसे सामने देखिए, ये सामने यहाँ पे दो चार घर, पाँच छः घर यहाँ पे हैं, फिर कोई एरिया में कोई घर नहीं है। इसी तरीके से लोगों के यहाँ पे घर होते हैं और इसी तरीके से घास वास इकट्ठा करके लोग अपना यहाँ पे जो घरों में रहते हैं अपना जीवन यापन करते हैं। और बाकी लोग यहाँ पे सारे बाहर को ही होते हैं, जो यहाँ पे बाहर को जैसे दिल्ली वगैरह अदर सिटियों में जॉब के लिए यहाँ से जाए रहते हैं। तो इस प्रकार का माहौल है, हमारे यहाँ से काफ़ी अलग माहौल है। हमारे यहाँ तो अलग माहौल होता है, थोड़ी कृषि होती है, वहाँ के खेतों की लुक ही कुछ अलग आती है। यहाँ देखिए सारा बंजर भूमि यहाँ मिलेगी और घास ही घास यहाँ पे ज़्यादा होती है। घास यहाँ पे जो हम यहाँ पर हमने ली हुई थी पूरा इकट्ठा कर ली, ट्रक पे लोड कर ली, लेकिन हमारा ट्रक थोड़ा कम हो चुका है, घास कम हो गई है, तो हमने घास ले ली। जो सामने आपको एक घर दिख रहा है, यहाँ पे एक शॉप भी है, दुकान भी है, और यहीं पे बगल पे हमने घर ले घास ले ली है, तो वहाँ से ट्रक को पूरा करते हैं तो फिर निकलेंगे। हमारी गाड़ी पूरी पैक हो चुकी है, जो यहाँ पर हमने घास रोड से नीचे से हम लाए हुए थे। मैं गाड़ी की छत पर हूँ अभी, देखें गाड़ी पूरी पैक हो चुकी है। तो यहाँ पर जितनी घास ली हुई थी वो हमने गाड़ी पर पैक कर ली, लोड कर ली। तो आगे जो सामने आपको घर दिखाई दे रहा है वहाँ पर हमने गाड़ी ले जानी है। दो लूठे, जिनको हम लूठे बोलते हैं, जैसे कि ये नीचे देख रहे हैं, इनको पहाड़ी में लूठा बोला जाता है, घास का लूठा। तो दो लूठे वहाँ पर ले रखे हैं, उनको भी गाड़ी में लोड करते हैं, फिर निकलेंगे घर की तरफ। गाड़ी पूरी पैक हो चुकी है और नीचे हरीश भाई संभाल रहा है वो वाली घास जो ऊपर लाने में निकल गई थी, और आगे जो हम घास लेके आए थे वो नीचे से लेके आए थे। तो फ्रेंड हम लोग जाने लगे हैं और गाड़ी पूरी रिवर्स ले जा रहे हैं। देखिए रोड इस तरफ को है, रिवर्स ले जा रहे हैं। बहुत पतली रोड है, मोड़ने का जगह है नहीं, तो बैग बैग ही जा रहे हैं। तो पहुँचते हैं वहाँ पर। ये देखिए दूर दूर में लोगों के घर हैं और सामने कोई बसावट ही नहीं है, पूरा जंगल एरिया है। और सामने में यहाँ पे थोड़ा सा थोड़ी सी बसावट है, ज़्यादातर लोग यहाँ पे बाहर ही रहते हैं, बाहर को ही जॉब करने चले जाते हैं, क्योंकि खेती यहाँ होती नहीं है। आप देख सकते हैं खेत सारे बंजर खेत पड़े हुए हैं और ना कुछ फल फ्रूट मुझे लगता है यहाँ पर होता है। ये देखिए जगह का नाम जो है टिकरी, हम पहुँच चुके हैं इस घर के पास में। ढोकाने वाटरफॉल भी इसी रूट पे पड़ता है दोस्तों, लंबा रूट है, अल्मोड़ा बहुत जगह इस रूट से जाया भी जाता है। आगे दो चार गाड़ियां लगी हुई हैं यहाँ पे, तो देखते हैं गाड़ी निकल पाती है नहीं, हमारी निकल जाएगी। तो निकाल दी है दोस्त गाड़ी, तो गाड़ी तो हमारी निकल चुकी है। और सामने देखिए क्या मस्त व्यू आ रहा है, बहुत कम लोग यहाँ पर रहते हैं, देखिए बहुत कम है लोगों की बसावट, मस्त व्यू देखने को मिल रहा है। फाइनली वहाँ पर हम पहुँचने वाले हैं। सामने जो आपको हरी सी यहाँ पर कलर दिख रहा है वो पॉलीथीन है, वहाँ पर घास ले रखी है, वहाँ से ऊपर रोड में यहाँ पर लानी है। हम पूरी गाड़ी रिवर्स ले आए, ये देखिए, और रिवर्स गाड़ी जा रही है और भाई लोग आ रहे हैं पीछे से, देखिए। और व्यू काफ़ी मस्त आ रहा है, जंगल ही जंगल है, लोगों की बसावट है नहीं, व्यू तो अच्छा ही है। तो फ्रेंड वहाँ पर पहुँचने वाले हैं, देखिए सामने गाड़ी लगी है और वहाँ रोड से नीचे से वहाँ से लाया जा रही है घास। यहाँ पर जो यहाँ पर घास ली हुई थी वो भी हमने यहाँ पर पूरी ढोल दी है, बस छोटा सा एक ही रह गया, थोड़ा ये भाई इकट्ठा कर रहा है जो खुली हुई घास थी। और ऊपर ये घर के यहाँ पर रोड है, घर के यहाँ पर रोड है, तो ये घास ले जाते हैं ऊपर, चलते हैं ऊपर रोड पे। दोस्तों हमने घास पूरी यहाँ पर ढोल ली और जितनी हमने घास सभी जगह से ली हुई थी पूरी हमने ट्रक पे लोड कर ली है। और देखिए ट्रक किस प्रकार अभी दिखाई दे रहा है, पूरा हो चुका है ट्रक। तो यहाँ से निकलेंगे अपने घर की तरफ, मुक्तेश्वर की तरफ को, और देखिए पूरा पैक हो चुका है, पूरा लोड हो चुका है ट्रक, बहुत घास आ गई है इस पर। अब तो निकलते हैं यहाँ से अपने घर की तरफ को। हम सभी लोग अभी छत पे हैं, गाड़ी के छत पे। यहाँ बैठने का जो एक्सट्रीम मज़ा आ रहा है वो अपने आप में अच्छा है, क्योंकि गाड़ी में हम आए नहीं, हमारे पीछे गाड़ी भी आ रही है एक। सभी लोग, हम जितने भी फ्रेंड हैं, सब गाड़ी में ऊपर छत पे बैठ के आ रहे हैं, काफ़ी मज़ा आ रहा है। फाइनली आधे रास्ते में है और मेरे पीछे देखिए लगभग यहाँ से हम आ चुके हैं और गाड़ी की छत पे हैं अभी। फाइनली घास हमारी आ चुकी है घर के यहाँ पे। अभी जो रास्ता दिख रहा है यहाँ पे, इस रास्ते से आप घर पे ढोई जाएगी। सभी लोग आ चुके हैं और काफ़ी इंजॉयफुल डे रहा। फाइनली फ्रेंड हमारी रोड पे, जहाँ पे हमारा घर है वहाँ पे रोड पे हमने घास उतार ली है, पूरा ट्रक अनलोड कर दिया है। इतनी घास यहाँ पे देखिए हम लाए हुए हैं। अब यहाँ से ढोलेंगे घर की तरफ को, जो कि लगभग 20 मिनट का पैदल वॉक यहाँ से हमें घर की तरफ ढोलना पड़ेगा। फाइनली फ्रेंड रात हो चुकी है, करीब 6 बज रहे हैं। हम रोड से लगभग 3-3 राउंड यहाँ पर घास ले लेके आ पाए।
तो अब बाकी घास जो हमारी रहेगी है वो कल आ पाएगी। देखिए खूबसूरत मौसम हो रखा है, सनसेट हो चुका है, अंधेरा पूरा हो चुका है पहाड़ों पे। तो ये था हमारा दिन भर का ब्लॉग, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आप समझे होंगे किस प्रकार से हमारा दैनिक जीवन होता है, कठिन परिश्रम करना पड़ता है। ये देखिए अभी तक घास लेके आ रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।